डेसिमल क्या रखते हैं। हमने स्टार्ट किया था हेक्साडेसिमल्स को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कल स्टडी किया था इसकी बेस क्या होती है, 16 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स होंगे इसके अंदर। डिजिट्स कहां से शुरू होंगे, 0 to 9 एंड A to F, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है जी। हमने एक एग्जांपल ली थी, हमने कहा था रैंडम सी एग्जांपल है 200 217, अगर इसकी बेस 10 होगी तो ये 217 पढ़ा जाएगा, बेस अगर इसकी 16 है तो इसकी जो फर्स्ट नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो है 16 power 0, सेकंड नंबर की जो प्लेस वैल्यू है 16 power 1, थर्ड नंबर की जो प्लेस वैल्यू है 16 power 2 हो जाएगी। इसी तरह से जैसे हम लेफ्ट पे जाते रहेंगे नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती रहेगी गर्ल्स एंड बॉयज, इंक्रीज होती रहेगी, क्या होती रहेगी, प्लेस वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू गर्ल्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर इसके बाद भी कोई डिजिट लिखा होता तो उसकी प्लेस वैल्यू होती 16 power 3 की। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। इसी तरह से यहां तक किसी को मसला है, कल हमने इसके अलावा कोई बात पढ़ी, अभी कन्वर्जन का रोकें थोड़ा सा, यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं। हम लोग जब कभी भी जो सबसे बेसिक बात है, सबसे जो बेसिक बात है, हम इसको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई होप यहां तक किसी का कोई मसला भी नहीं है हेक्साडेसिमल्स का। एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है। यह हमें पहले से ही हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं रिकॉल करा रहा हूं, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। आपको पता है इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को एक नाम दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, कल हमने एक नाम पढ़ा था NIBBLE, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज ऑल्सो नोन एज अ निबल, ठीक है। लिख लें अपने पास, अ ग्रुप ऑफ 4 bits is known as a nibble. Group of 4 bits is known as a nibble. क्या बोलते हैं इसको, nibble बोलते हैं। क्लियर हो रहा सारों को, एक byte में कितने nibbles होंगे, 2। एक byte में कितने nibbles होंगे, 2। This is first nibble and this one is the second nibble, ठीक है। 1 byte has how many nibbles? 2 nibbles. Has 2 nibbles. 1 byte has 2 nibbles. Hexadecimals में जो digits होते हैं हमारे पास वो थे 0 से 9 तक, yes or no? इसी तरह से A, B, C, D, E और F. A किसके बराबर था, 10 के। बी किसके बराबर था, सी किसके, डी ई एंड एफ, 13 14 और 15। समझ आ रही है, हेक्साडेसिमल्स में हम 10 के बजाय क्या लिखा करते हैं, 11 के बजाय, 12 के बजाय, 13 के बजाय, 14 के बजाय, 15 के बजाय एफ। क्लियर है ये बात कि नहीं। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, इधर सुनिएगा सारे। हमारे लिए हेक्साडेसिमल ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हेक्साडेसिमल में जितने भी डिजिट्स हैं 0 से लेकर F तक, तमाम डिजिट्स को हम मैक्सिमम मतलब 4 बिट्स यूज करके हम 16 डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे लिए हेक्साडेसिमल्स क्यों जरूरी है, मेरा सवाल यह था, हेक्साडेसिमल्स हम क्यों पढ़ते हैं,
वो इसीलिए पढ़ते हैं बच्चों हेक्साडेसिमल्स, इस वजह से बिकॉज हेक्साडेसिमल्स में जितने भी डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं टोटल हेक्साडेसिमल्स में, 16 डिफरेंट डिजिट्स हैं। तार को थोड़ा सा इजी कर ले। बस ठीक है, जल्दी से करें प्लीज जरा। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि हम हेक्साडेसिमल्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो 16 डिफरेंट डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स आर इनफ। जब हम बाइट लिख रहे होंगे, बाइट में चार चार बिट्स के दो ग्रुप बनते हैं कि नहीं बनते, जरा मेरी तरफ सारे बच्चे तवज्जो रखें। बाइट को इस्तेमाल करते हुए चार चार बिट्स के कितने ग्रुप बनेंगे, दो। हर ग्रुप जो सा है, चार बिट्स का ये वाला ग्रुप और चार बिट्स का ये वाला ग्रुप। अब चार बिट्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, जीरो जीरो बोले हैं, जीरो जीरो, अरे जीरो 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 जीरो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी चार बिट्स में, सारे जीरोस। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सारे वंस। तो जब मैं सबसे जो छोटी वैल्यू लेता हूं चार बिट्स की, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। और जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है चार बिट्स की कौन सी है, ऑल वंस, यस और नो, ये कौन सी वैल्यू है चार बिट्स में, लार्जेस्ट वैल्यू, ये है कि नहीं, मुझे बताएं। ये चार बिट्स को जब मैं डेनरी में कन्वर्ट करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, 1 to 4 8 के हिसाब से करें तो किसके इक्वल होगा, गर्ल्स एंड बॉयज, सब बच्चे बताएं किसके इक्वल होगा, 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 1 = 15। लार्जेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, अगर वो डेनरी में 15 के बराबर है तो हेक्सा में 15 किसके इक्वल होता है, F हमारा हेक्साडेसिमल का सबसे फाइनल वैल्यू है या नहीं, सबसे फाइनल वैल्यू है ना। चार बिट्स की सबसे फाइनल वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ऑल वंस, ऑल वंस। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि नहीं, जो हमारा स्टार्टिंग, इधर तवज्जो रखे, जो हमारा स्टार्टिंग जो बाइनरी हेक्साडेसिमल डिजिट है जीरो, क्या मैं इसको चार बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं सबसे छोटे डिजिट को, यस और नो। सबसे जो बड़ा डिजिट है वो कौन से वाला है, F, क्या इसको भी मैं चार बिट्स के साथ कर सकता हूं रिप्रेजेंट, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, तवज्जो रखें, इसका मतलब क्या है कि हेक्साडेसिमल्स में यहां से लेकर यहां तक जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, उन तमाम को मैं चार बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, जितने भी देखें, जीरो सबसे छोटा, फिर उसके बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, then A, B, C, D, E and F. मैं 0 से लेके F तक के तमाम कॉम्बिनेशंस को 4 बिट्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि 4 बिट में सबसे छोटा था 0, 0, 0, 0 और सबसे बड़ा था 1, 1, 1, 1. तो इन बिट्स की डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन आएंगे गर्ल्स एंड बॉयज, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कोई ना कोई तो आंसर होंगे ना, किसी का आंसर होगा 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 7, किसी का 9, किसी का A, किसी का C, किसी का 8। क्लियर हो रहा है, यहां तक कंफ्यूजन क्लियर होगी कि नहीं हुई, सबको समझ आई। अच्छा, सो हम एक बात लिखेंगे, अपने पास एक स्टेटमेंट लिखिए, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी, each hexadecimal digit can be written using 4 bits. Each hexadecimal digit can be written using 4 bits. सेकेंड पॉइंट लिखें, 4 bits आर इनफ टू रिप्रेजेंट, 4 bits आर इनफ टू, ब्लैक पेन से लिखी हुई है बात सारी, 4 bits आर इनफ टू रिप्रेजेंट
ऑल हेक्साडेसिमल डिजिट्स, फोर बिट्स आर इनफ टू रिप्रेजेंट ऑल हेक्साडेसिमल डिजिट्स। मुझे एक बात बताएं, इज इट इजी टू राइट, मतलब इट इज क्विकर टू राइट 8 बिट्स या इन चार की जगह मैं एक हेक्साडेसिमल डिजिट लिखूंगा और इस चार की जगह एक हेक्साडेसिमल डिजिट लिख दूंगा। तो जब मैं इन 8 बिट्स को हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वेरी सिंपली ओनली 2 डिजिट्स। तो लिखने में 2 डिजिट्स इजी होंगे हमारे लिए या 8 डिजिट्स? 2 डिजिट्स जरा आसान भी होंगे, यूजर फ्रेंडली भी होंगे, बिकॉज वी आर मोर फेमिलियर विद दोस नंबरिंग, मतलब 0 से 9 तक न्यूमेरिक वैल्यूज में हम ज्यादा फेमिलियर हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, एबीसीडी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू वंस एंड जीरोस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो एक टेबल बनाता हूं, एक टेबल हम बनाते हैं जिसमें मैंने उस टेबल में बाइनरी वैल्यूज भी लिखी होंगी 16 के 16, फिर उसके बाद मैंने उसी के अगेंस्ट बाइनरी वैल्यू भी लिखी होगी और उसी के अगेंस्ट मैंने हेक्साडेसिमल भी लिखा होगा। क्या ख्याल है? ठीक है, सो 3 कॉलम्स बनाते हैं बच्चों। पहले नंबर में मैं डेनरी लिखूंगा, दूसरे नंबर में मैं बाइनरी लिखूंगा और तीसरे नंबर में मैं उसका हेक्साडेसिमल डिजिट लिखूंगा। 16 हमारे डिफरेंट नंबर्स आएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। जी जीरो को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेंगे पैटर्न में? जीरो 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 जीरो। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बनेगा? जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन वन। आप कन्वर्ट करके चेक कर लो, देखो इसकी प्लेस वैल्यू, लुक एट द व्हाइट बोर्ड प्लीज, इसकी प्लेस वैल्यू है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 2, तो 1 और 2 मिलके कितने हो जाते हैं? 3। समझ आ रही है क्या? नहीं आ रही? अरे पहले नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 की होती है। फर्स्ट नंबर प्लेस वैल्यू इज 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8, 1 2 4 8 के हिसाब से। मुझे बताएं 4 को कैसे लिखा जाएगा? 0 1 0 0। 5 को कैसे लिखा जाएगा? ऊंचा बोले 0 1 0 1। 6 को कैसे लिखा जाएगा? 0 1 1 0। एक आसान बात बताऊं, अभी तो सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप नोट करें, पहली बिट क्या है? 0। अगली बिट क्या है? अगली क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब अगले पैटर्न की तरफ आओ, सेकेंड बिट क्या है? 0 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 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। जो फर्स्ट बिट है वो कैसे तब्दील हो रही है? हर एक एक के बाद। जो दूसरी बिट है वो हर दो दो के बाद चेंज हो रही है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। जो तीसरी बिट है, 4 जीरो से 4 वंस हैं, फिर क्या होगा? 4 जीरोस और फिर 4 वंस। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही? आखिरी की तरफ आ तो फिर समझाता हूं। वैसे चले मुझे इसका जवाब तो बताओ, ये किसके इक्वल आ रहा है? ये वाला, ये सब किसके इक्वल आते हैं? बाइनरी को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है किसके इक्वल आते हैं ये बताओ? दिस इज इक्वल टू 0 सेकेंड नंबर पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। गर्ल्स बताएं, ये वाला,
क्या लिखा हुआ है 0110, ये किसके बराबर होगा 1248, ये किसके इक्वल हुआ 6 के इक्वल हुआ, 7 की इक्वल कैसे होगा बताएं, 1248 बनाना है, 7 कैसे बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज 111 और यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए 0111, सही है। 8 कैसे बनेगा इससे 1248 से, गर्ल्स कैसे बनेगा 8, 8 की जगह पे 1 डालने बाकी क्या हो जाएगा जीरोस हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे जीरोस। 9 कैसे बनेगा, 9 बनाओ 1001, क्या 9 की इक्वल मैंने 1001 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। 10 बताएं, 10 कैसे बनेगा, सब गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, 8 और 2, 8 एंड 2 की जगह 1 डालेंगे बाकी सारे जीरोस। 12 कैसे बनेगा, 8 और 4 की जगह 1 डालेंगे बाकी सारे, तो 12 बनाने के लिए इनकी जगह पे 1 बाकी क्या हो जाएंगे। 15 कैसे बनेगा, हाँ सबकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बच्चों सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, अरे अब मैं ना एक पैटर्न सिखाना चाह रहा हूं आपको, ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना कौन सी वाली भला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 15 तक जा रही है, सीक्वेंस में जा रही है ना, आपको पता है ये बाइनरी भी सीक्वेंस में जा रही है, कैसे फर्स्ट बिट की तरफ तवज्जो रखे, जरा पैटर्न देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, हर एक एक के बाद आपकी बिट क्या हो रही है चेंज हो रही है, यस और नो। अब सेकंड बिट की तरफ जरा तवज्जो रखें 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये कितने कितने बिट्स के बाद चेंज हो रही है, कितने कितने बिट्स के बाद, हाँ दो दो बिट्स के बाद 0 0 1 1 चेंज हो रही है। थर्ड बिट कौन सी वाली है, प्लेस वैल्यू 4 है, तो कितनी कितनी बिट्स के बाद चेंज होगी, पहले 4 0 0 0 0 फिर 4 1 1 1 1 फिर 4 क्या है 0 0 0 0 फिर क्या है 4 1 1 1 1, क्लियर हो रही है मेरी बात। अगली की तरफ आओ, अगली की प्लेस वैल्यू क्या है, तो अब ये कितनी कितनी बिट्स बाद चेंज होगी 8 0s और 8 1s, अगर और नीचे जाओ तो फिर 8 0s और 8 1s। सोचे अगर यहां पर एक और बिट भी होती उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती, प्लेस वैल्यू क्या होती 16, वो फिर क्या होता 16 0s and then 16, फिर 16 0s and 16, इसके बाद अगली बिट कौन सी है, फिर वो क्या होता 32 0s and 32, फिर 32 0s and 32 1s। लेकिन हमें पांचवी बिट नहीं चाहिए ना हमें छठी बिट चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा काम कितनी बिट्स में पूरा हो रहा था, हेक्साडेसिमल्स के लिए 4 बिट्स में पूरा हो रहा था, तो जब मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, जब मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो बच्चों ये किसकी इक्वल आएगा, 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 ये किसकी इक्वल, ये वाला, ये किसकी इक्वल आएगा, नो नॉट 10, नाउ 8। 10 किसकी दुनिया में था, 10 किसकी दुनिया में था, गर्ल्स एंड बॉयज यू हैव टू राइट एज वेल एज फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड एज वेल, ठीक है। हेक्साडेसिमल की दुनिया में ये क्या है, डेंडर की दुनिया में 10, ये क्या है, यहां से वैसे कैलकुलेट करके बताओ जरा, दिस इज 1 2 4 and 8, व्हाट इज दिस एज अ होल, डेंडरी में कौन सा नंबर है ये 8 और 2 10 10 और 1 11, तो 11 किसके बराबर आएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पे बी, क्या लिखूंगा यहां पे बी। इसी तरह से ये किसके बराबर है 8 and 4 is 12, 8 and 4 is 13, 8 and 4 is 12, 12 की जगह क्या लिखा जाएगा 12 plus 1 is 13 की जगह 8 plus 4 plus 2 is 14, 14 की जगह ए, 8 plus 4 plus 2 plus 1 is, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, क्लियर हो रही है मेरी बात गर्ल्स एंड बॉयज कि नहीं हो रही, सब बताएं। ये टेबल मुश्किल था आसान था, आसान था। अब अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, इस तरफ आते हैं, कन्वर्जन बहुत ही आसान है इनकी, मैंने जो एग्जांपल लिखी थी
सबसे पहले सबसे जो आसान कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल की, सबसे आसान। आपने बाइट लिखा, अपने पास पूरा बाइट लिख लिया, आपने चार चार के ग्रुप्स उसमें बना लिए, समझ आ रही है बच्चों, चार चार के क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। अब मुझे बताएं ये ग्रुप ये किसके इक्वल है, ये ग्रुप किसके इक्वल है, दिस ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट, थ्री। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, थ्री। ये ग्रुप किसके इक्वल है, दिस इज वन टू फोर एट, एट एंड टू टेन, टेन प्लस वन अलेवन, अलेवन किसके बराबर है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बी थ्री। बी थ्री लिखना क्विकर है या आठ बिट्स लिखना क्विक है, बी थ्री। दो डिजिट लिखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ये ज्यादा सारी बाइनरीज लिखना, समझ आ रही। तो जब कंप्यूटर में एक पूरा समंदर आ जाएगा ना बाइनरी वैल्यूज का, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कि उनको एक तो लिखा भी जाए, अगर उसमें कोई गलती हो जाए, एरर के चांसेस भी ज्यादा है बाइनरी के अंदर। जब देखें ये तो चार बिट्स हैं, देयर वेरी इजी, व्हाट इफ देयर इज अ होल सी ऑफ वंस एंड जीरोस, एक पूरा ओशन आ जाए आपके वंस एंड जीरोस का, अगर कोई गलती हो जाए उसमें, तो फिर तो ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, क्या ख्याल है। सो दैट इज व्हाई इट इज इजियर, बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम एज वेल, एंड प्रोग्रामर्स दे आर मोर कन्वीनियंट डीलिंग विद हेक्साडेसिमल्स रादर देन डीलिंग विद बाइनरीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं। और मैंने जो कहा ना हेक्साडेसिमल्स क्यों बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए बिकॉज ये जो मैंने बात यहां पे लिखी है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नीचे आप देख रहे हैं कि नहीं, ये जो बात यहां पे लिखी हुई है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी रिटन यूजिंग फोर बिट्स, तो आप अपने बाइट को चार चार के ग्रुप में काटते, चार चार के ग्रुप में तोड़े, हर चार बिट की जगह एक हेक्साडेसिमल डिजिट लिख लें। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है हमारा, बाइट कितनी बिट्स का होता है गर्ल्स एंड बॉयज, आठ बिट्स का। ये हेक्साडेसिमल नंबर कभी भी एग्जिस्ट ना करते अगर बाइट हमारा आठ बिट्स का ना होता। लेट्स से दैट, लेट्स अज्यूम दैट गर्ल्स एंड बॉयज, अगर लेट्स अज्यूम, अज्यूम कर रहे हैं हम, ये रियलिटी नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट अगर बाइट हमारा नाइन बिट्स का होता, अगर दुनिया में बाइट कितनी बिट्स का होता, नाइन बिट्स का होता, क्या मैं उसमें चार चार के ग्रुप बना सकता, नहीं, नहीं बना सकता कभी भी। मैं क्या करता, तीन तीन के मैं कितने ग्रुप बनाता, तीन ग्रुप, कितने ग्रुप बनाता, तीन ग्रुप बनाता। अगर बाइट मेरा दस बिट्स का होता फिर मैं क्या करता, पांच पांच के दो ग्रुप बनाता उसको शॉर्ट करने के लिए, यस और नो, क्लियर हो रही है। इसलिए बाइट हमारा आठ बिट्स का है तो उसको हमने चार चार बिट्स के उसमें डिवाइड किया, और चार बिट्स में हमने जब नोट किया ना, सबसे छोटी वैल्यू जीरो थी और सबसे बड़ी वैल्यू 15 थी, नाखून निकाले, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 15 थी, क्लियर हो रही है मेरी बात। तो हमने देखा, हमने कहा नहीं यार, नाइन तक तो डिफरेंट डिजिट्स होते हैं बाइनरी में। मैंने कहा ना, मेरी बात की जरा कहानी सुनिएगा, बाइट में मैंने कहा कितनी बिट्स है गर्ल्स, आठ, तो आठ के मैंने किए कितने ग्रुप्स, दो, हर ग्रुप में चार बिट, दूसरे ग्रुप में भी चार बिट्स, तो पहले ग्रुप में जब चार बिट्स होंगी, सुने जरा, चार बिट्स होंगी तो चार बिट्स की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जीरो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15, 1111, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15। तो मैं जब सोचता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार, बाइनरी में तो 15 तक डिफरेंट डिजिट्स है सारे, 9 तक डिफरेंट डिजिट्स, उसके बाद तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, मुझे इसके लिए कोई नया डिजिट इन्वेंट करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर्स ने काम आसान कर दी, जिन्होंने ये चीज बनाई थी सारी स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा नए डिजिट्स इन्वेंट नहीं करते, जिसको दुनिया पहले से जानती है उन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया पहले से किसको जानती है, ए को जानती है, 10 की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, ए लिख दिया, 11 की जगह क्या लिख दिया, बी, 12 की जगह, इसी तरह से डी, ई और एफ की तरफ चले गए वो, क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब एक नया नंबर सिस्टम है, उसका नाम है हेक्साडेसिमल्स, क्लियर है ये बात कि नहीं। अब हम करेंगे इसकी कन्वर्जन्स का तरीका। अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन्स का। तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता हमारे लिए, 255 तक के डिफरेंट डिजिट्स कैसे याद रखते हैं आप, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मेमोराइज टिल एफ, एफ तक याद रखना बहुत आसान है कि जी एफ किसके बराबर है, फौरन से सोचा अच्छा ये तो 15 के बराबर होता है, क्या ख्याल है।
इनका आर्गुमेंट यह है कि यह और ज्यादा आसान ना होता कि अगर हम 8 की 8 बिट्स की जगह एक ही डिजिट इस्तेमाल करते। बात तो बहुत आइडियल है, अगर मेरे दिमाग में चिप लगा दी जाए और मेरा दिमाग तेज हो जाए बहुत ज्यादा, Core i9 बन जाए मेरा दिमाग, ठीक है, फिर मैं तो वो काम कर लूंगा कि मैं 8 बिट्स जो उनसे लिखी हुई है उन पूरी 8 की जगह मैं एक डिजिट याद रख लूंगा। लेकिन लेकिन उसमें आपको पता है कि जैसे यहां पे 4 बिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं, तो मैं 16 तक के डिफरेंट डिजिट्स को याद रख सकता हूं। और इसमें मैंने याद तो कुछ भी नहीं किया हुआ, ये तो मुझे पहले से पता है, 0 से 9 तक मैंने मुझे पहले से पता है, A से लेके F तक मुझे पहले से पता है। क्या ख्याल है, अगर मैं 8 बिट्स को एज अ होल 1 डिजिट दूं तो भाई 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो 256 तक की डिफरेंट डिजिट्स कौन याद रखेगा, है इन्वेंट कहां से होंगे इतने ज्यादा सारे डिजिट्स, क्या ख्याल है, डिफरेंट डिजिट्स नहीं हो सकते, उनको याद रखना भी मुश्किल है, एफ तक याद रखना बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है ये बात। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया सारों को, एक छोटी सी बात बताता हूं, ये देखें ये वैसे टोटल कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गर्ल्स एंड बॉयज, कितनी बिट्स हमने इस्तेमाल की, 4 बिट्स। आपको पता है 4 बिट्स कैन गिव यू 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमेशा, और उसका 3 बिट्स कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देंगे आपको, 3 बिट्स कैन गिव यू हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 3 बिट्स साइड नोट्स के तौर पे बताएं, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 3 बिट्स कैन गिव यू हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। देखें 3 बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, 000 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा ये, 111 तक जाएगा। आपको यहां पे मैं रेफर में बताता हूं, 0101 0101 0101 0011 0011 0000 1111 नोट कर रहे हैं कि नहीं, ये किसके इक्वल होता है 0, ये किसके इक्वल है 1, ये किसके इक्वल है 2, ये किसके इक्वल है 3, ये किसके इक्वल है 4, गर्ल्स एंड बॉयज तवज्जो, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 7। कितनी बिट्स इस्तेमाल की मैंने, 3 बिट्स इस्तेमाल की, कितने कॉम्बिनेशन आए, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यस और नो, सब सुन रहे हैं कि नहीं। अब मैंने जब 4 बिट्स ली कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने, 16 डिफरेंट, मुश्किल तो नहीं है ये बात। अब जरा इस बात सुनो, जब मैं 3 बिट्स लेता हूं 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब मैं 16 बिट्स लूंगा 4 बिट्स लूंगा तो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकालने का एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं यही चीज करूं, जब मैं 3 बिट से 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाल, तो मुझे नहीं पता लेट से, तो पता है आसान तरीका क्या है, 2 लिखो और उसकी पावर में नंबर ऑफ बिट्स लिख दिया करो। अगर 3 बिट्स है तो 2^3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 2^3 का आंसर क्या होता है, 2 × 2 × 2 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8। शॉर्टकट बता रहा हूं यहां पे, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस पावर इज रिफ्लेक्टिंग नंबर ऑफ बिट्स। अगर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकालने हो तो 2^3 करेंगे तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो ये जवाब क्या आएगा, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे इसके। इसी तरह से अगर 4 बिट्स होंगी तो 2^4 कितना आंसर आएगा, 2^4 का 16। क्या चीजें, कॉम्बिनेशन। तो चलें एक काम करते हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, 2^8 कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन, 2^8 डिफरेंट, 2^8 कितना होता है, 256 कॉम्बिनेशन आएंगे। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, 2^8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 10 बिट्स हुई कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 2^10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 1024। मुझे एक बात बताएं, ये बच्चों ये समझ आ रही है कि नहीं, दिस आर बिल्कुल एबीसी ऑफ कंप्यूटर्स, एबीसी चल रही है अभी कंप्यूटर्स की। 8 बिट्स होंगी तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे,
टू पावर एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखते रहे ना आप लोग, क्यों बिल्कुल सुन रहे हैं, मैं मिटा दूंगा तो फिर आप कहेंगे सर रुक जाए। आप लोग को पता नहीं ऐसे सारे स्टूडेंट्स बैठे होते जैसे मेरा वाइवा लेने आए हो, लिखा करो यार आप लोग साथ साथ, मुझे लगता है शायद मैं स्टूडेंट हूं आप लोग मेरे टीचर्स हैं, ऐसे पोज बना के मुझे सुन रहे होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं 8 बिट्स को इस्तेमाल करके, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये किसके बराबर बनता है बच्चों? 0 के बराबर। किसके बराबर होगा? 0 के। यहां से लेकर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तमाम जीरो से लेके कहां तक? सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्लियर हुई मेरी बात? एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने लगूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सारी नई नई बातें सीख रहे हैं हम रोज। ये देखें जरा, जब हमने कितनी बिट्स ली थी? 3 बिट्स। 3 बिट्स ली थी कि नहीं ली थी? 3 बिट्स को लेके कितने कॉम्बिनेशंस बने थे? कितने कॉम्बिनेशंस बने थे? 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने थे। पहला कॉम्बिनेशन किसके इक्वल था? आखिरी कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है? 7 के। समझ आ रही है? जरा अब मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, जरा तवज्जो रखना सारे बच्चे। आपने कितनी बिट्स ली यहां पे? 4। कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने? पहले कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या थी? आखिरी कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या है? अब ये नोट कर रहे हैं कि नहीं? 3 बिट्स में आखिरी वैल्यू 7 है, 4 बिट्स में आखिरी वैल्यू 15 है। कोई चीज मैच हो रही है 7 की 8 के साथ और 15 और 16 की? कोई चीज मैच हो रही है? कोई पैटर्न फील हो रहा है? कोई पैटर्न फील हो रहा है? किस किस को पैटर्न फील हुआ हाथ खड़ा करें। मैं ये बात कर रहा हूं, इस 8 का ताल्लुक 7 के साथ, इस आखिरी नंबर जो लास्ट बिट्स बनती है 1111 का ताल्लुक 16 के साथ। क्या ताल्लुक है? यस, एक कम है। क्या है? एक कम है उससे। क्यों कम है ये कौन बताएगा? वेरी गुड बच्चे, क्लैपिंग करें इसके लिए। क्योंकि क्योंकि जीरो को भी तो शामिल कर रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक ये कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं? ये 8 कॉम्बिनेशंस हैं। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? मैं बार बार क्या लिख रहा हूं? 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। कहानी कहां तक जाएगी? 7 तक। जब 4 बिट्स होंगी तो 2 पावर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी कॉम्बिनेशन की, और एंडिंग वैल्यू कहां तक जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबको समझ आई? 8 बिट्स होंगी तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 पावर 8, व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू हाउ मच? 256। सबसे पहली वैल्यू ऑल जीरो, सबसे आखिरी वैल्यू ऑल वंस। तो 256 कॉम्बिनेशंस कहां से कहां तक होंगे? 0 to 200। बच्चों दिमाग एक दुनिया की वाहिद चीज है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना तेज होती है ये, ठीक है? दिमाग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना तेज होगा ये, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना जीरो मीटर, उतना फ्लॉप, उतना बेकार दिमाग रहेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये जो बेसिक्स एबीसी है ये आपके दिल में बड़े सुकून से उतरनी चाहिए। अगर नहीं उतर रही तो इसका मतलब है अभी तक मजाक करते आए हैं आप लोग। पीछे जो भी क्लासेस पीछे चलती हैं ये सब जोक्स आपने किए हैं। नो, थोड़ा सा सीरियस हो जाए आप, ठीक है? मतलब अपने अपने लिए, नॉट फॉर मी, अपने लिए सीरियस हो जाए, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं 2 मिनट में बच्चे सीख जाते हैं आपसे पहले वाले जो पढ़ के जा चुके हैं। तो इसलिए आपका दिमाग चलना चाहिए, जब मैं सवाल पूछता हूँ तो मुझे बताएं कि हाँ सर हम भी इंसानों की कैटेगरी वाले हैं, हमारा भी दिमाग है और चलता भी है। तो यहां पे जरा मुझे फिर से बताएं, मैं फिर से बात रिपीट करता हूं। मैंने एक आपको एक बेसिक्स बताया, एक फॉर्मूला बताया, मैंने कहा कि जब नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाए आप उससे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इब्राहिम न्यास के साथ जो बच्चा बैठा, बेटा नाम क्या? रायान मुस्तफा। रायान मुस्तफा, मैंने क्या बोला अभी? यस यस, नंबर ऑफ बिट्स गिवन हो तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स है 3,
तो मैंने कहा नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाए ना आपको, आप उससे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन बिट्स के साथ, वो निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स से दो बिट्स हैं, दो बिट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन सकते हैं, 00, यस 01, 10 और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है दो बिट्स के साथ? कभी भी नहीं बन सकता। और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ठीक है दो बिट्स हैं, टू बिट्स 2 पावर 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहां पे हमेशा क्या चीज लिखा करते हैं बताओ, नंबर ऑफ बिट्स लिखा करते हैं। तो 2 पावर 2 का आंसर कितना आएगा, 4। कितना आंसर आएगा, 4। अब 4 में पहली वैल्यू 0 और आखिरी वैल्यू 4 में से एक कम, 3, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 बिट लेता हूं, एक ही बिट, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे एक बिट से, 2, एक 0 और एक 1। तो 2 पावर 1 जब आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो पहली बिट 0 और अगली बिट 1, ठीक है। 5 बिट्स लेते हैं हम, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 पावर 5, दैट इज 32। बताओ ना, दैट इज 32, दैट इज 32। कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 32। पहला कॉम्बिनेशन बताओ 0, आखिरी कॉम्बिनेशन 31, निकम्मे, आखिरी कॉम्बिनेशन 31। 6 बिट्स हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 2 पावर 6, 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। अबे 24 कहां से, निकम्मा 64 में पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू 63। लेट्स से 7 बिट्स हैं, 2 पावर 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, पहली वैल्यू, आखिरी वैल्यू, और 127 क्यों, 128 क्यों नहीं, क्योंकि 0 भी शामिल है। अब देखिए इस पे तो दिमाग खुद ही चलना चाहिए ना, जैसे वो छोटा सा बच्चा उसका चल गया, ठीक है। इसी तरह 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स क्यों ले रहा हूं, बिकॉज यू नो 8 बिट किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के, किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 2 पावर 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यस और नो, 2 पावर 8 किसके इक्वल होता है, पहली वैल्यू क्या होगी, आखिरी वैल्यू क्या होगी, हमने कन्वर्ट करके देखा था कि नहीं देखा था, आपके आपके क्लास नोट्स में अवेलेबल है ना ये चीज, कि 8 वंस किसके बराबर होता है, 255। करके देखें जरा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 128 प्लस 64 किसके इक्वल होता है, 192 प्लस 32 किसके बराबर होता है, इधर कर लेता हूं आप सब की हेल्प के लिए, वैसे भाई ने चलो कर ही लेते हैं, 4, 2 and 1 कितना होता है, 3, 8 और 2, 12 और 2, 12 और 2, 14 और 6, 20 और 8, 28 और 4, तो वो जो 28 और 4, 32 और 3, 35 इधर आ गया और 3 कैरी चला गया, यस और नो, 3 और 2, 5 और 6, 11 और 3 बोलते ना साथ साथ, 14 और 1, 15 और 5 इधर आ गया, 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो जो ऑल वंस है किसके बराबर होता है, 255। जो ऑल जीरोस हैं किसके बराबर होते हैं, तो ये आपको पैटर्न समझ आया सारों को। तो क्या जनरली मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, जनरली अगर आपके पास कितनी बिट्स हैं, एन नंबर ऑफ बिट्स हैं, कितनी बिट्स हैं, एन बिट्स हैं, अगर देखिए 4 बिट्स होंगी तो 2 पावर 4 होगा, 5 होगी तो 2 पावर 5 होगा, 8 बिट्स होगी तो 2 पावर 8 होगा, सोचिए एन बिट्स हैं तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 पावर n लिख लो अपने पास, ये फॉर्मूला है,
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये क्या है, ये रूल है, n बिट्स होंगी तो 2n डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यस और नो बताएं मुझे। गर्ल्स रुक जाएं बाहर, प्लीज रुक जाएं बाहर, गिव मी 2 मिनट्स। 2n डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, पहली वैल्यू क्या होगी बताओ। अच्छा ये किसी ने बताया ना, उसके लिए फिर से क्लैपिंग होनी है। जीरो, और आखिरी वैल्यू क्या होगी, 2n-1। एन माइनस वन नहीं, 2n में से एक क्या कर लो, माइनस। बच्चों बात समझ आई नहीं समझ आई? 8 बिट्स में देखे ना, 3 बिट्स में 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 0 से लेके 8-1। तो n बिट्स में अगर 2n डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो पहली वाली वैल्यू क्या होगी, 0। फाइनल वैल्यू क्या होगी, 2n में से एक कम। क्लियर हो रही? जैसे 256 था, आपने क्या लिखा, 256 में से एक कम, यस और नो? तो यहां पे मैंने क्या लिखा, अब n है ना, n का आंसर तो हमें नहीं पता हो, तो 2n होगा, तो उसमें से एक कम, 2n-1 हमने लिख लिया। क्या ख्याल है, ख्याल ठीक है? कोई मसला है यहां तक? सब बताओ यहां तक कोई मसला है? इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यही काम किया, n बिट्स की जगह 2n डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखे, जैसे वो 256 था, तो 256-1 लिख दें, सॉरी हाफ, 256-1, तो ये मैंने 2n-1 लिख दिया, ठीक है? लेकिन ये जनरल बात है, जनरल बात मतलब दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल सिनेरियोस, दिस इज एप्लीकेबल इन एनी सिचुएशन, मतलब कोई भी, यहां पे देखें मैं अगर 20 लिख देता हूं, लेट्स से कितना 20, तो ये होगा 0 से लेके 2 पावर 20-1, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहली वैल्यू होगी 0 की, आखिरी वैल्यू होगी 2 पावर 20 में से -1, यस और नो? समझ आ गई? यहां तक था आज की बात, अब कल हम करेंगे कन्वर्जन बिटवीन हेक्साडेसिमल बाइनरी, 2 मिनट में सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है? घर से रिवाइज करके आना।